हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल की नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले उन दो कारणों के बारे में जिसके चलते दिल्ली खिलाफ मुकाबले में आरसीबी की टीम हारी। तो जानने के लिए भी इस वीडियो को हमेशा की तरह अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी आरसीबी के फैन हो तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर से बेल आइकन को जरूर दबाए। तो चलिए वीडियो शुरू करें। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हो कि आईपीएल 2019 का 46वां मुकाबला खेला गया जो कि आरसीबी और दिल्ली के बीच हुआ, जिसमें दिल्ली की टीम ने आरसीबी की टीम को यह मुकाबला 16 रन से हरा दिया और इसके साथ क्वालिफाई कर लिया प्लेऑफ्स के लिए। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले कारण के बारे में जिसके चलते आरसीबी की टीम यह मुकाबला हारी। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हो कि आरसीबी की टीम ने इस मुकाबले में पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया था, जिसमें आरसीबी की टीम बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर रही थी, लेकिन अंतिम दौर में आरसीबी की टीम ने 36 रन दिए, जिसके चलते दिल्ली की टीम ने इस मुकाबले बहुत ही बड़ा स्कोर बना दिया। दोस्तों वही बात के दूसरे कारण के बारे में, तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि विराट कोहली और पार्थिव पटेल ने बहुत ही शानदार शुरुआत की थी आरसीबी की टीम को, लेकिन जब विराट कोहली आउट, जिसके बाद मिडिल ऑर्डर में आरसीबी की टीम का कोई भी बल्लेबाज नहीं चल सका, जिसके चलते आरसीबी की टीम यह मुकाबला बहुत ही आसान तरीके से हार गई। दोस्तों मेरे मुताबिक ये दो कारण है जिसके चलते आरसीबी की टीम यह मुकाबला हारी। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपके मुताबिक कौन से दो कारण है जिसकी वजह से आरसीबी की टीम यह मुकाबला हारी। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।